हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और वैसे भी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज हम लोग इंटीग्रेशन के फार्मूले देखेंगे, इसका बेसिक समझेंगे, और साथ ही साथ में हम आज कुछ फार्मूले देखेंगे जो आपको लर्न होने ही होने चाहिए, और साथ ही साथ मैं सारे फार्मूले लिखवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे से यहां पर पढ़ाई करते रहें। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता देता हूं कि अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, आप हमसे कुछ सीखते हैं, तो भैया इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ये पहुंचाइएगा। जब आपके दोस्त भी यहां पर आएंगे वो भी सीखेंगे, जिससे आपका भी भला होगा, आपके दोस्तों का भी भला होगा, और साथ ही साथ में हमारा भी भला होगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, पूरी क्लास देख करके जाइएगा, आप समझिए आखिर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम कैसे पढ़ाते हैं। आप लोग अगर जानते हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं तो भैया वीडियो को अभी छोड़ के ना जाइएगा। आज मैं आपको केवल बेसिक समझाने वाला हूं, साथ ही साथ में मैं आगे के सारी एक्सरसाइज कराने वाला हूं। क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की पूरी की पूरी मैं सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूं इस चैनल पर, और आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर पा रहे होंगे, मेरा ऐसी उम्मीद है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज भैया हम आपको फार्मूले बताने वाले हैं, और कहां गया हमारा, ओके यहां पर मैं बता देता हूं कि आखिर ये समाकलन होता क्या है। ऑलरेडी हम लोग अवकलन पढ़ चुके हैं भैया, हमें पता है कि डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन हम लोग कर ही लेते हैं। डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है समाकलन, समाकलन को प्रति अवकलज भी कहते हैं, प्रति अवकलन भी कहते हैं। भैया अवकलन आपको मालूम है, डिफरेंशिएशन होता है, और अवकलन का उल्टा मतलब प्रति अवकलन। ठीक है, इसी को हम लोग समाकलन कहते हैं। तो प्रति अवकलन कहें या समाकलन कहें, इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसके फार्मूले क्या है, तो समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो मैं आपको बताऊंगा, और कौन से फंक्शन है जिनका हम समाकलन कर सकते हैं। देखो, समाकलन हर एक फंक्शन का आसानी से, मतलब आसानी से क्या, किया ही नहीं जा सकता है। बहुत सारे फंक्शन हैं जिनका आप समाकलन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आपसे कोई कह दे e की पावर x स्क्वायर का आप समाकलन कर दीजिए, ठीक है, तो याद रखिए समाकलन के निशान को हम लोग ऐसे लगाते हैं। तो समाकलन करना है किसके सापेक्ष करना है, तो यहां पर लिख देते हैं dx, यहां पर लिख देंगे, इसका मतलब है x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है e की पावर x स्क्वायर का। ठीक है, तो क्या आप इसका समाकलन कर पाएंगे, तो इसका समाकलन करना इंपॉसिबल है। आपसे इसका अवकलन पूछा जाता, आप अवकलन कर देते, ठीक है, चैनल का इस्तेमाल करते, अवकलन आप कर देते, लेकिन इसका आप समाकलन नहीं कर सकते। तो कौन से फंक्शन है जिनका हम समाकलन कर सकते हैं और किनका नहीं कर सकते, ये सारी मैं बात आपको बताने वाला हूं। टेंशन नहीं लेना, आप हमारी क्लास को पूरा देखिएगा, आपको बहुत आनंद आने वाला है, और साथ ही साथ में मैं आगे की जितनी भी क्लास लेकर के आऊंगा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, मतलब समाकलन। ठीक है, समाकलन आज शुरू हो रहा भैया, समाकलन, ये एक्सरसाइज 7 मतलब क्लास 12th की जो पार्ट 2 मैथ है इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसे, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। इंटीग्रेशन इसे इंग्लिश हम लोग कहते हैं। इसके जो फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले सबसे पहले आपको लर्न होने चाहिए, वो मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ, उनको लर्न कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला जो आपको लर्न होना चाहिए समाकलन का, वो है सबसे पहले समाकलन को भैया इस तरह से चिन्हित किया जाता है, हमने बताया ना इस तरह से। तो समाकलन का x की पावर n dx, dx मतलब है समाकलन करना है x के सापेक्ष, उससे ज्यादा कोई विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ लेना देना यहाँ इसका सिर्फ इतना लेना देना है कि यहाँ पर ये बताता है किसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर dp होता तो हम p का समाकलन करते हैं, लेकिन इसमें p है नहीं तो हम क्या करते हैं, फिर p का हम दूसरे तरीके से करते हैं। इसका मतलब है बेसिक, आप ये समझ के चलिए यार, यहाँ पर dx है तो x के सापेक्ष समाकलन करना है, x का समाकलन करना है x वाले टर्म का, और यहाँ पर अगर n होगा तो n वाले टर्म का, t होगा तो t वाले टर्म का समाकलन करेंगे, और कुछ इसका मतलब नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है किसका, x की पावर n का, तो याद रखिएगा इसका हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला भैया, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसका इस्तेमाल आप हर जगह पर करेंगे। और प्लस c, यहां पर प्लस c इसलिए लगाया जाता है, कांस्टेंट हमें पता नहीं होता है क्या आएगा, मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि y इक्वल टू आपके पास एक फंक्शन है, चलो
जरा समझाई देता हूँ, ठीक है। समाकलन का इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं, मान लिया आपके पास एक फंक्शन है वाई एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स प्लस थ्री, ठीक है, या फिर ऐसे हमने कह दिया चलो फंक्शन है फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और ये मतलब ये फंक्शन कह रहे हैं, ये एक पद है, ये एक पद है और एक ये पद है, ठीक है। जब आप इसका अवकलन किए थे तो एफ डैश एक्स आप कैसे करते थे, दो पंचे दस एक्स कर देते थे, इसको दो एक्स का वन और फाइव का जीरो हो जाता था, ओके, इस तरह से हो जाता था। अब यहां पर फाइव का जीरो हो गया तो उससे तो हमारा लेना देना है नहीं। अब हम समाकलन में क्या करते हैं, समाकलन में जो अवकलन किया हुआ पद होता है उसको दोबारा हम इस फंक्शन के रूप में प्राप्त करते हैं, मतलब इससे एफ एक्स से हमने एफ डैश एक्स ज्ञात किया तो ये क्या हो गया अवकलन। अब इससे अगर मैं ये चीज पाना चाहता हूं तो इसी को हम समाकलन कहेंगे, उल्टा, उल्टे को हमने बताया ना अवकलन का उल्टा प्रति अवकलन, ठीक है, वही तो समाकलन है। अब अगर आप इस पर आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर पावर देखना होगा, x की पावर एक है तो याद रखिए 10 लिखेंगे, x की पावर एक है और आप इसका अगर आप समाकलन करने वाले हैं एफ डैश एक्स से एफ एक्स प्राप्त करने वाले हैं तो x की पावर एक है तो मैंने बताया जितनी भी पावर होगी उसमें एक बढ़ जाएगा, n थी यहां पर n प्लस वन, एक है तो एक प्लस वन तो x की पावर दो हो जाएगी और जितनी पावर में हो जाएगी उतना ही n प्लस वन मतलब एक प्लस एक दो नीचे भी हो जाएगा, समझो मैंने क्या बोला, फार्मूला है x की पावर n का, तो x की पावर n का समाकलन होगा x की पावर n प्लस वन अपान में n प्लस वन, मतलब घात जितनी भी हो एक बढ़ा देना है, जैसे घात यहां पर तीन होती तो चार कर देते, एक है तो मैंने दो कर दी और जितनी घात में लिखोगे उतना ही नीचे लिख दोगे। अब आगे दो, दो यहां पर x तो है ही नहीं, लेकिन जब x नहीं होता है, जब कहीं पर कोई चीज नहीं है तो उसकी पावर में जीरो आप मान सकते हैं, ठीक है, पावर में जीरो मान सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा x की पावर जीरो में एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा भैया, एक बढ़ेगा ना, एक बढ़ती है घात एक और बटे में भी एक, ठीक है। अब आगे तो पता ही नहीं है क्या था, आगे आपका कोई संख्या ही नहीं है, तो यहां पर हम कांस्टेंट इसलिए लगा देते हैं क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म अवकलन करने से जो गायब हो गया था उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते समाकलन करके, ठीक है। तो यहां पर अगर आप कैंसिल आउट करके देखेंगे 5x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस c हमने लिख दिया, c का मतलब यहां पर क्या है 5 है, लेकिन हम समाकलन करके c का वैल्यू 5 प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम यहां पर कैसे कर दें कि यहां पर 5 होगा, क्योंकि हमारे पास सवाल तो यहीं तक दिया था आगे दिए नहीं था, तो हम मान के चलते हैं कि कोई ना कोई कॉन्स्टेंट टर्म रहा होगा जो जीरो हो गया था, अब हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर हम c लिख देते हैं, ठीक है। तो c हर एक अवकलन समाकलन के सवाल में c लास्ट में लगा करके ही हम रखेंगे, हर एक फार्मूले में हर एक क्वेश्चन के आंसर में हम c लगाएंगे, जब हम समाकलन जो है हमारा जो निश्चित समाकलन नहीं अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे होंगे, यह समाकलन निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार का है, सबसे पहले हम अनिश्चित की बात करें, अनिश्चित में हम c को प्राप्त नहीं कर पाते, निश्चित में हम लोग c को भी प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वहां पर हम लोग देखेंगे वहां पर c नहीं लगाएंगे, लेकिन अभी हम अनिश्चित की बात कर रहे हैं। तो एक बात समझ में आई कि सी हम लास्ट में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अवकलन करने से जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो तो गायब हो जाता है, लेकिन उसको जब हम वापस समाकलन करते हैं तो वो कांस्टेंट वैल्यू हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसकी जगह पर हम कोई ना कोई कांस्टेंट छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा भैया, मैंने यहां पर फिर आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, जरा समझिएगा हर एक बात को, मैंने एक बात बताई है कि जैसे ये वाला जो फार्मूला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला कि आपको करना है x की पावर 7 dx, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन का आ गया कि भैया इसका सॉल्यूशन आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, घात में जितना ही है उसमें एक बढ़ा देना है, सात है तो आठ कर दिया और बटे में भी आठ कर दिया और प्लस सी लगा दिया, बस यही हमारा आंसर है, कर लेंगे आसानी से, अब आप कर पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप x की पावर n का समाकलन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं अगला जो आपका फार्मूला है वो मैं आपको बताता हूं, अगला फार्मूला याद रखिएगा, जब भी आप यहां पर केवल यहां पर कुछ भी ना हो केवल dx कह दें, जैसे वन लिखा हो या ना लिखा हो जरूरी नहीं है कि लिखा ही मिल जाए वन, ठीक है, dx कह दिया, ठीक है, तो dx कह दिया इसका मतलब यहां पर वन है और इसका अवकलन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, वही है सेम चीज है, यहां पर वन मान लेंगे, वन का मतलब हम यहां पर जब कुछ नहीं होगा तो हम x की पावर जीरो मान चुके होंगे, x पावर जीरो मान चुके होंगे तो ये क्या हो जाएगा x पावर वन अपान में वन, बटे में वन लिखेंगे नहीं तो x पावर जीरो का मतलब तो वन ही होता है, वन अगर लिखा हो तब भी ठीक है, ना लिखा हो तब भी ठीक है, मतलब इंटीग्रल dx जो हो जाएगा x प्लस c हो जाएगा, बात क्लियर है,
बात क्लियर है, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए भैया। अगला जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, e की पावर x का dx अगर आपको करना है, e की पावर x का dx करना है तो याद रखिएगा e की पावर x प्लस सी। e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x ही होता था, e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होता है भैया, ये भी आप बात याद रखिएगा। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें a की पावर x dx का समाकलन क्या होता है, तो याद रखिएगा a की पावर x का समाकलन a की पावर x log ऑफ e बेस a प्लस सी, ठीक है। ये देखो कुछ जो हम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको बता रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप लर्न करके ही चलोगे, ठीक है, क्योंकि इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। आगे मैं बात करता हूँ अगला ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बोला वन अपान एक्स का अवकलन क्या होगा, तो आपने देखा होगा लॉग एक्स का अवकलन होता था वन अपान एक्स, यहां पर क्या होगा वन अपान एक्स का समाकलन होगा लॉग एक्स प्लस सी। उल्टा है लॉग एक्स का अवकलन वन अपान एक्स होता है, लेकिन वन अपान एक्स का समाकलन होता है लॉग एक्स, ठीक है। तो जहां पर वन अपान एक्स डी एक्स दिया हो समझ लेना वो क्या हो गया लॉग ऑफ एक्स, बेस ई रहता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले, जैसे साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का भैया समाकलन क्या होता है, तो साइन एक्स का समाकलन जो होता है वो माइनस का कॉस एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। देखो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता था, लेकिन समाकलन माइनस का कॉस एक्स होता है, ठीक है। उल्टा आगे देखिएगा, इसी प्रकार कॉस एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या हो जाता है साइन एक्स प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भैया, ये फॉर्मूले आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इन फॉर्मूलों के बिना आप कोई भी एक्सरसाइज समाकलन का एक सवाल भी नहीं लगा सकते भैया, एक सवाल भी। मार्कर चेंज कर चुका हूं, ठीक है। अगला मैं आपको और बताता हूं, साइन हो गया कॉस हो गया, आगे ध्यान से देखिए, अगर कहीं पर लिखा है sec square x dx बराबर हो जाता है tan x, क्या हो जाता है tan x प्लस सी, ठीक है। इसी प्रकार cosec square x dx बराबर में हो जाता है माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। साथ ही साथ में मैं आपको बता देता हूं टेन एक्स का जो समाकलन होता है भैया, टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, तो टेन एक्स का समाकलन भाई होता है माइनस का लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, या फिर लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, log ऑफ cos x प्लस सी। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे tan x का समाकलन क्या होता है, tan x का समाकलन माइनस का log cos x लिखिए या फिर log sec x लिखिए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। साथ ही साथ में आप cot x का भी लिख लेते हैं, cot x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, तो cot x का आप समाकलन लिखेंगे log of sin x plus c या फिर minus log of cosec x plus c, ठीक है। साथ ही साथ में आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं sec x का समाकलन कहूं, sec x का समाकलन क्या होता है, तो sec x का समाकलन भैया आपको लिखना होगा log of sec x plus tan x या फिर log of tan pi by 4 plus x by 2, ठीक है। इसके बाद में साथ ही साथ में cosec x dx अगर है तो इसको आप क्या लिखोगे, log of cosec x minus cot x, ठीक है, या फिर आप इसी को log of tan x by 2 plus c, भैया plus cr लगा देना, ठीक है, सब में आपका क्या होगा प्लस सी होगा। देखो मार्कर अपना कलर चेंज कर रहा है भैया, देखो, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाले जो फार्मूले हैं ये आप लोग लर्न करके ही रखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
और हमेशा काम आने वाले हैं। साथ ही साथ में और मैं कुछ फार्मूले लिखता हूँ, मैंने नंबर नहीं डाला, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। साथ ही साथ में इनवर्स वाले जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। साइन, सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, 1/√1 − x²dx, ठीक है। तो इसका आप क्या करोगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार अगर यहां पर माइनस आ जाए, माइनस का 1/√1 − x²dx, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी कह सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार सोलवे की बात अगर मैं करूं, 1/√1 − x², एक्स रूट 1 − x², नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वन कर देते हैं, ठीक है, √x²−1 dx, तो ये क्या हो जाता है, sec इनवर्स एक्स, ठीक है। अगेन साथ ही साथ में यहाँ पर अगर आपके पास 17 नंबर माइनस का 1/√x²−1 लिखा हो, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे भैया, प्लस सी लगा देना, ठीक है। देखो ग्रीन हो गया ना मार्कर, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। माइनस हो जाएगा तो वो कॉसेक का, अगर माइनस नहीं है तो ये सेक का होगा, माइनस नहीं है तो ये साइन इनवर्स एक्स का, माइनस के साथ में है तो वो कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा 18 नंबर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 1/√1 + x², ठीक है, डी एक्स अगर है तो इसको आप लिख सकते हैं टेन एक्स प्लस सी, ये टेन इनवर्स एक्स का समाकलन हो गया। और यही अगर नेगेटिव में आ जाए, माइनस का 1/√1 + x²dx, तो ये बन जाएगा भैया कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये फार्मूले जो आपके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं भैया, इतने फार्मूले तो आपको लर्न होने ही होने चाहिए अगर आप समाकलन पढ़ने जा रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेना, इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ये वाले तो आपको लर्न करके ही रखना है शुरुआत के लिए। और साथ ही साथ में भैया ये जो नीचे हमने 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये वाले जो लिखवाए हैं, इनको आप एक बार दिमाग में बैठा लो। बैठाने वाली कोई दिक्कत वाली बात वैसे है नहीं, अगर आपने अवकलन के फॉर्मूले लर्न किए हैं तो समाकलन के फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। जस्ट अपोजिट है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता था 1/√1 − x², यहां पर 1/√1 − x² का समाकलन है साइन इनवर्स एक्स, उल्टा ही तो है भैया। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता था, −1/√1 − 1 x², तो यहां पर −1/√1 − x² का समाकलन है कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स का ये अवकलन होता था, मैंने इसको कह दिया इसका समाकलन करोगे तो सेक इनवर्स, बस उल्टा हो गया है भैया, उल्टा हो गया है। मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर हम बात करें साइन इनवर्स एक्स का, जब आप अवकलन करते थे, ठीक है, तो क्या था, 1/√1 − x². यहां पर हमने क्या कहा है कि अगर कहीं पर इसका समाकलन हो तो इसको आप क्या कहेंगे, साइन इनवर्स एक्स कह देंगे। कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं। अगर आपको अवकलन वाले फॉर्मूले लर्न हैं तो आप ये समाकलन वाले फॉर्मूले लर्न कर लोगे। अच्छा देखो, ये वाले जो फॉर्मूले मैंने ऊपर लिखवाए हैं, इनकी कम जरूरत पड़ेगी, हाँ जरूरत पड़ेगी, लेकिन कम जरूरत पड़ेगी, वो आगे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में आपको क्या करना है, ये वाले फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे, x^(n)(n+1)/(n+1) dx, ठीक है, प्लस सी आपको लगाना है, 1 अगर है तो उसका x हो जाएगा प्लस सी, e^(x)^(x) ही होता है, a^(x)^(x)/(log a+c), ठीक है, 1/x का समाकलन होता है log x का, 1/x होता था, 1/x का log x हो गया, कोई टेंशन नहीं है, साइन x का होता है −cos x + c, और cos x का होता है sin x + c, ठीक है। इतने इधर वाले फॉर्मूले, इधर 14, 15, 16, 17, 18, 19 में बोल के दिखा देता हूँ, 1/√1 − x² का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, −1/√1 − x² का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, और 1/√x²−1 x का dx का ये हो जाएगा sec इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार −1/√x²−1 dx का क्या हो जाएगा cosec इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार रूट बता रहे हैं 1/√1 + x² का tan इनवर्स एक्स, और −1/√1 + x² dx का cot इनवर्स एक्स होता है। देखिए आपको साइन की जरूरत पड़ने वाली है, और बताता हूँ, साइन की जरूरत पड़ने वाली है, सेक की जरूरत पड़ने वाली है, और
10 की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये आपको देखो कास का हम करेंगे नहीं, क्योंकि माइनस अगर होगा तो माइनस और वन अपान इसको साइन इनवर्स कर लिया करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, आपको 14, 16 और 18 ध्यान से देखो, एक से लेकर के सात तक 14, 16, 18 ये फार्मूले आज ही लर्न होना हो जाने चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। बस इतने अगर फार्मूले भैया याद हो गए ना तो बहुत आसानी से आप समाकलन कर पाओगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं बताता हूं कौन से फंक्शन का आप समाकलन सही से कर सकते हो, कौन से फंक्शन का समाकलन नहीं कर सकते। देखो ये बेसिक फंक्शन हैं, इनका आपको समाकलन करना मतलब आप इनके समाकलन के फॉर्मूले आप लर्न करके रखोगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी फंक्शन होंगे इनका आप समाकलन नहीं कर सकते, मतलब कोई भी फंक्शन अगर ऊट पटांग है, समझो ऊट पटांग अगर कोई भी फंक्शन है उसको सबसे पहले इन्हीं फंक्शंस में चेंज करना पड़ेगा, इन्हीं फंक्शंस में हमें ब्रेक करना होगा और उसके बाद में हम उनका समाकलन कर पाएंगे, ठीक है। आगे हम बहुत सारे अभी फार्मूले लेंगे, आगे चलेंगे अगली वाली एक्सरसाइजेस में हम लोग फार्मूले और पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आपको ये वाले बेसिक वाले फार्मूले याद हो गए, इन बेसिक्स पर क्वेश्चन करना शुरू हो गए जो हम लोग 7.1 में शुरू करेंगे क्वेश्चन करना करेंगे जब, ठीक है, तो अगर ये आप सीख जाएंगे तो आगे वाले फॉर्मूले आप बहुत आसानी से लर्न कर पाओगे। मैं जैसे ही आपको सामने रखूंगा 2-3 फॉर्मूले, 4-5 फॉर्मूले, 6-7 फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा लेंगे, ठीक है, तो वो आप जैसे ही फॉर्मूले देखोगे आप कंपेयर करके तुरंत उनको याद कर पाओगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। लेकिन भैया ये फॉर्मूले आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। अब देखिए कि आखिर समाकलन करते कैसे हैं, किन फंक्शन का समाकलन कर सकते हो और कौन फंक्शन का समाकलन आप नहीं कर सकते हो। बहुत सारे मेथड हैं समाकलन करने के, हम लोग एक एक मेथड करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम आपको थोड़ा सा बेसिक और बताते हैं, भैया ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए और ये अगर फार्मूले आपको लर्न हैं तो अब मैं जरा इनको मिटाता हूँ, जो मैंने बताए हैं कम इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इनको जरा मिटा करके यहाँ पर मैं आपको कुछ दूसरी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। जरा समझने का प्रयास करिएगा। देखो बच्चों यहां पे आए हो तो कुछ सीख करके आइए, ठीक है, और क्लास भैया पसंद आए ना तो यार शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करो, उनको भी यहां पर लाओ, वो भी यहां पर आसानी से मैथ सीख सके और फायदा उठा सके हमारी क्लासेस का, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां पर मैंने सबसे पहला एक क्वेश्चन आपको दिया, आपको समाकलन करना है x की पावर 7/2 dx, x की पावर 7/2 dx का आपको समाकलन करना है, तो कैसे आप करोगे, सिंपल सा फंडा भैया, आपके पास फार्मूला है ये, ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, क्या करोगे भैया, x की पावर 7+2 में एक ऐड करोगे, अपान में भी, देखो जब समाकलन करोगे समाकलन निशान हटा दोगे, ठीक है, अपान भी 7/2+1 लिख दोगे, ठीक है, और प्लस सी आप ऐड कर दीजिए, x की पावर 2 × 2+7 9/2 हो जाएगा ये, अपान में भी 9/2+c, इसको आप पलट लेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 2/9 x की पावर 9/2+c, ये हमारा आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप कर भी पाएंगे। अब जरा समझना, आगे जाने, यहीं पर अगर आपसे इस प्रकार का फंक्शन दे दिया जाए, ध्यान से देखना मैं बेसिक समझा रहा हूँ सारी बातें, ठीक है, मैंने बोल दिया ax + b की पावर 7, यार चलो 2 दे देते हैं, 2 dx, ठीक है, इसका भी समाकलन करना है, तो अब जरा ध्यान से देखेंगे ax + b है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ये देखिएगा आप लीनियर फंक्शन है कि नहीं है। देखो यहाँ पर x है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये अगर लीनियर है तो आप इसका, ये भी देखो लीनियर है, इसमें भी x की घात 1 ही है, x की घात 2 हो जाए अगर तो आप इसका समाकलन नहीं कर सकते भैया, कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे, कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो याद रखना ये लीनियर होना चाहिए, जहां पर जो भी x की जगह पर हम लोग रखेंगे वो लीनियर में होना चाहिए। जैसे अभी हम इसका पहले करते हैं, जरा समझो यार इसको कैसे आप करोगे, इसको आप लीनियर मार करके चलो, ये लीनियर है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ये लीनियर फंक्शन। अब इसका आप समाकलन करोगे तो मैं आपको शॉर्ट कट थोड़ा सा बताता हूं जिससे आपको बहुत आगे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। आप ये मान के चलो ये पूरा x ही है हमारा, ये x स्क्वायर होगा तो हम उसको x नहीं मान सकते, लेकिन अगर गुणे में x के गुणे में कुछ भी है, प्लस में कुछ भी है, माइनस में कुछ भी है, चलेगा, ठीक है, x स्क्वायर वहां पर घात, x की घात वही होनी चाहिए जो मेन फंक्शन में होती है बस वो, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, x की पावर 2 मान करके चलोगे, x की पावर 2 का समाकलन जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ोगे, बटे में 2 में 1 जोड़ करके लिखोगे, ठीक, लेकिन
लेकिन आपको साथ ही साथ में बटे में और एक चीज लिखनी होगी, क्या जिसको आपने एक्स माना था उसका अवकलन करके नीचे लिखना होगा। भैया अवकलन समाकलन नहीं, अवकलन करके नीचे लिखना होगा। मैंने जो चेन रूल का इस्तेमाल किया था अवकलन करते समय, मैंने आपको समझाया था चेन रूल का, एक तरीके से वही ये चेन रूल ही है, आप समझ लो ठीक है। और चेन रूल इसमें भी है, जो चेन रूल है इसको चेन रूल कहते नहीं है, लेकिन अगर हम समझें यार उसी से कंपेयर करें तो हम मान सकते हैं कि ये समाकलन का चेन रूल है ठीक है। और समाकलन के चेन रूल में जिसको हम एक्स मानते हैं उसका समाकलन नहीं करते, उसका अवकलन करते हैं और उसको गुणे में नहीं लिखते हैं। उसमें गुणे में लिखते थे, इसमें बटे में लिख दिया जाता है ठीक है। तो यहां पर अब जिसको आपने x माना, ये x की पावर 2 समझा, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपान में 2 प्लस 1 कर दिया ठीक है। जिसको आपने x माना इसका अवकलन करिए और यहां पर लिखिए, तो a x, भैया a कर दिया, x का तो अवकलन 1 ही हो जाता है, ध्यान से सुनो, x का यहां पर अब समाकलन नहीं करें, x का अवकलन 1 हो गया। और b तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता था, 0 होता था, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता था, 0 होता था भैया। तो यहां पर जो अवकलन होगा ax plus b का वो तो a ही हो जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा ax plus b की पावर 3 बटे में 2 सॉरी ये 3 और a 3a, ये आपका आंसर होगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, मैं आपको सारी बातें समझाने वाला हूं, बस आप थोड़ा सा फील करो यार ठीक है, फील करो। मैं एक फिर क्वेश्चन लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं ठीक है। देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, एक मैंने क्वेश्चन दिया, चलो तीसरा ये क्वेश्चन है आपकी नज़र में, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया, चलो 3x plus 5 की पावर 1/2 ठीक है dx, आपको इसका समाकलन करना है यार, क्या करोगे? मैंने क्या बताया, देखो x में घात एक ही है, एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका मतलब मैं इसको केवल x मान सकता हूँ, पूरे को चेन रूल समझो कि ये भीतर वाला x है, x की पावर 1/2 है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए, x की पावर n वाला फॉर्मूला जब लगाओगे तो आप क्या करोगे भैया, 3x plus 5, ये x लिखा कि पावर 1/2 में 1 जोड़ा जाता है, और बटे में भी यही करेंगे, 1/2 में 1 जोड़ा ठीक है, लेकिन साथ में इसे गुणे में कुछ लिखते हैं, क्या इसका अवकलन करके, 3x का अवकलन तो 3 हो जाएगा और 5 का अवकलन 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, बस 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 ये क्या हो रहा है, 3x plus 5 की पावर में हो गया भैया 3/2 और नीचे भी हो गया 3/2 और गुणे में भैया एक ये 3 है साथ में ठीक है। इसको 2 को पलट के ऊपर कर देंगे, 2/2 में ये 3 9 हो जाएगा और 3x प्लस 5 की पावर 3/2 हो जाएगा, और प्लस सी लगा देना भैया, हमेशा ये याद रखना प्लस सी लगाते रहना, शायद मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया नहीं था, गलत माना जाएगा ठीक है। अगर अनिश्चित समाकलन है तो उसमें प्लस सी लगाना ही पड़ेगा ठीक है, कन्फर्म। अब आपको समझ में आ रहा है कि आप ऐसे क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग अब धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। अगर मैं अब जरा समझो यार, यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से दे दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से दे दूं, मैंने कहा कि चलो 3x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3 ठीक है dx, और भैया इसका समाकलन कर दो ठीक है, तो इसका समाकलन आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे कि आप इसका समाकलन करें तो ऐसे कह दें कि यार ये यार हो गया x हमारा और ये x हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं भैया, तो इसका करने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको हमने x माना तो ये x की पावर 5 में 3 में 1 जोड़ेंगे और बटे में 3 में 1 जोड़ेंगे और नीचे इसका अवकलन लिख देंगे, 3x स्क्वायर का अवकलन 6x, 5 का 0 और प्लस सी, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 4 अपान में 4 4 6 24 एक्स प्लस सी। भैया ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसका हम समाकलन ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर में है और यहां पर जो बेस है वो आपका घात एक में होता है, तो घात एक वाला होता अगर ये होता तो आप कर लेते हैं, घात दो में है भैया नहीं कर सकते, क्या करना होगा, तब आपको बस वही काम करना है, कौन सा काम करना भाई, कौन सा काम करना है, तो सिंपल वही काम करना है आपको भैया, इसका होल क्यूब खोल देना है पूरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी ठीक है, इस हिसाब से आप पूरा खोल दीजिए, उसके बाद में हर एक फंक्शन का आप अलग अलग अवकलन कर समाकलन कर सकते हैं ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, फंक्शन जो है वो लीनियर रहना चाहिए, जहां पर x की जगह पर लीनियर चीज होना चाहिए, जैसे मैं यहां पर बोलूं
e की पावर x का भैया समाकलन करो तो e की पावर x प्लस सी, ये तो सूत्र ही हम लोगों ने देखा है। अगर मैं कह दूं e की पावर 2x का समाकलन करो तो आप क्या कर दोगे, ये लीनियर है, इसमें घात तो x की बढ़ी नहीं है, घात अगर x की नहीं बढ़ी है तो आप कर सकते हो e की पावर 2x का e की पावर 2x, लेकिन याद रखना 2x का दोबारा करना पड़ेगा। अगर x के अलावा कुछ भी उसका दोबारा करना है और उसका दोबारा अवकलन करना है, समाकलन नहीं, और अवकलन करके कहाँ लिखना है, बटे में, तो 2x का जब अवकलन करोगे 2 प्लस सी, मतलब x के गुणे में यार जो भी है उसको बटे में लिख देना है, x के गुणे में जो भी है उसको बटे में लिख देना है प्लस सी। अगर मैं कह दूं यहाँ पे e की पावर 3x प्लस 5 का भैया समाकलन कर दो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी घात तो x की एक ही है, लीनियर फंक्शन है, यहाँ पर लीनियर होता है तो ये भी लीनियर है, तो आप इसको भी कर सकते हो e की पावर 3x प्लस 5 लिख दोगे, ठीक है, लेकिन इसका जब आप दोबारा अवकलन करोगे तो 3x का 3 हो जाएगा, 5 का 0 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पर कह दूं e की पावर x स्क्वायर का आप समाकलन करो तो आप क्या करोगे, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर का दोबारा करोगे तो अवकलन नीचे लिखोगे तो 2x x स्क्वायर का अवकलन करके नीचे लोगे 2x प्लस सी, भैया ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब है ये जो आंसर है आपका गलत है, क्यों, क्योंकि अब ये लीनियर नहीं रहा, x की पावर 2 हो गया है, जब तक x की पावर 2 नहीं होगा तब तक काम चलेगा, जैसे ही पावर 2 हो गया गड़बड़ है, ठीक है। मेरे ख्याल से इस समय थोड़ा अंधेरा होने लगा है, लाइटिंग प्रॉब्लम है, इस वजह से हो सकता है आपको क्लियरिटी ना आ रही हो बोर्ड पर, तो मैं एक काम करता हूँ आज की क्लास यहीं पर रोकता हूँ, आगे मैं सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करके आपको एक एक बात समझा करके फिर प्रश्नावली पर चल के एक एक सवाल लगवाऊंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। बस एक बात आपको करना है, एक काम करिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, उनको भी यहाँ पर लाइए और कहिए कि यहाँ पर आकर के आप अच्छे से मैथ की तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फीस के, किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया, मैंने आपको जो आपको ये फॉर्मूले बताए हैं, ये वाले आपको लर्न हो जाएंगे कल तक, मुझे भरोसा है। अगले दिन मैं आपको मिलता हूँ आगे के क्वेश्चंस के साथ में, और प्रश्नावली के क्वेश्चन लूंगा मैं, आज मैंने थोड़ा सा बेसिक समझाया है, प्रश्नावली के क्वेश्चंस भी लूंगा और इन फार्मूले पर भी हो सकेगा मैं डिस्कस करूंगा और, ठीक है। चलो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई आप लोग करते रहिए।